हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। हिमाचल के सभी जिलों में शहरी निकायों के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की छटनी 29 दिसंबर से शुरू हो गई है। इन नामांकन पत्रों के बाद तय हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में रहेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले पाएंगे। आइए जानते हैं शहरी निकायों के चुनाव को लेकर सोलन प्रशासन की तैयारियां सोलन उपायुक्त के सी चमन से। शहरी निकायों का जो आज स्क्रूटनी है, आपको बताया कि जो हमारे MCs हैं सिर्फ सोलन और नगर निगम को और नगर पंचायत कंडाघाट को छोड़ के जो भी हमारे परवाणु बद्दी नारागढ़ और अर्की में है चुनाव है, आज की स्क्रूटनी है और कंडक्टरी स्क्रूटनी और 31 तक 3 बजे तक विड्रॉल का टाइम है। उसके बाद जो पोलिंग होगा 10 को, उसके बाद ये होगा। सो हमारी सारी तैयारियां हमारी पूरी है और डिप्लॉयमेंट है, EVMs रेडी है, स्टाफ की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और सारे SDM और BDO मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। वैसे ही हमारे प्रधानों को लेकर भी जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो नॉमिनेशन के लिए आवश्यकता है, जो जो पोलिंग मटेरियल के लिए जो हमें प्रबंधन करना है, उस पर सारे डे वाइज कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा जो चेकलिस्ट है उस पर हम कार्य हो रहा है और यही उम्मीद करते हैं कि हम बिल्कुल बिना किसी गैप के इलेक्शन को संपूर्ण कर पाएंगे। सारे SDMs को BDO को निर्देश दिए स्थान चिन्हित करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ स्टाफ की डिप्लॉयमेंट करें और जो जो भी वहाँ पे दिशा निर्देश हो गए, सैनिटाइजेशन, स्पेसिंग का, जो रूम का एरिया है, रिक्वायरमेंट है प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 3 कमरे हैं, जो लास्ट में वैक्सीनेशन के बाद जो ऑब्जर्वेशन एरिया है दैट हैज़ टू बी बिगर एरिया, जहाँ आधा घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो ये सारी तैयारियों को लेके हमने आज एक इंटरनल बैठक की है। एक हफ्ते में फिर हम बैठक करेंगे, इसकी फिर समीक्षा करेंगे ताकि हमारी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और सारा जो प्रोटोकॉल रहेगा इसका, उसके लिए हम बिल्कुल बदस्तूर तैयार हो गए। जब भी वैक्सीन की सप्लाई आएगी उसको हम तुरंत इसको उसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट में होगा। TSR डिजिटल TV के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट।